इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें। बिजली के सामान के बिजनेस की बात करें तो आज ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि जैसे जैसे घर, ऑफिस, शॉप या फिर मॉल बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिकल आइटम भारत में आयात होने वाली तेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनती है और ज्यादा इलेक्ट्रिकल आइटम की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिकल आइटम की डिमांड को देखते हुए आज बहुत सी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल आइटम का प्रोडक्शन करती है और करोड़ों रुपए कमा रही है, जैसे हेवल्स इंडिया लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड आदि। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार चलता है और इसका कोई सीजन नहीं है। तो कोई भी अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बिजनेस करना चाहता है तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का होलसेल बिजनेस कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको बिजली के सामान का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के होलसेल बिजनेस के प्रकार। बिजली के सामान के होलसेल बिजनेस को दो प्रकार से शुरू कर सकते हैं। लोकल प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस। अगर आप लोकल बिजली के सामान का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें किसी बड़ी सिटी जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद की होलसेल मार्केट से जूते खरीदकर अपने एरिया के अंदर होलसेल बिजनेस या फिर रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं। आज लोकल बिजली के सामान की डिमांड बहुत ज्यादा है। ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे हेवल्स इंडिया लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड आदि कंपनी डीलरशिप देती है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आप बिजनेस कर सकते हैं। निवेश कितना होगा इस बिजनेस के अंदर। निवेश इस बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस शुरू करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और लोकल प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और खुद की जमीन है तो कम पैसों में काम चल सकता है। लेकिन अगर जमीन किराए पर लेते हैं या फिर खरीदते हैं तो उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लोकल प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में आपको लगभग 3 से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में आपको लगभग 15 से 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कितनी जगह की आवश्यकता होगी। इन दोनों चीजों के लिए अलग अलग जमीन की जरूरत पड़ती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस। इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 300 से 500 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी। लोकल प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस। इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 200 से 300 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी। प्रॉफिट कितना होगा। इस बिजनेस के अंदर लगभग 20 से 30% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, तो इस हिसाब से आप इस बिजनेस के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको अच्छी शॉप मिल जाए तो अच्छे रेट पर सामान मिल जाता है और आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करें। किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग की भी जरूरत होती है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है पब्लिसिटी के लिए लोकल टीवी पर एड चलाएं, पेपर में एड दें, कलर पेपर पर बढ़िया सा पैम्फलेट छपवाकर शहर में बंटवाएं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के होलसेल बिजनेस की पूरी जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।